प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू पोर्शे Cayman 718 GT4 RS. अब RS है यहाँ पर जो स्पेशल यहाँ पर आ जाती है बिकॉज इसमें आपको बेहतरीन इंजन वही वाला मिल जाता है 4 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड फ्लैट लेकिन 6 सिलेंडर जो कि 500 हॉर्स पावर एंड 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसको नॉर्मल या रेगुलर हम अगर बोलें GT4 से तो उसके कंपैरेटिवली लाइट वेट रखा गया और कुछ स्पेसिफिकेशंस चेंज किए गए जिसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है विच मीन्स 0 to 100 in only 3.4 seconds. Now that's really really impressive. Watch this video till the end to know more about this beauty and this is also a beast actually. This video ko end tak zarur dekh le sari information janne ke liye aur ha channel ko subscribe kar le is tarah ki वीडियोस के लिए. अब इस स्पेशल ओकेशन पे इस स्पेशल व्हीकल को लॉन्च तो करना ही था. वैसे तो लॉन्च तो ये पहले हो गई थी 2.54 करोड़ के प्राइस पे लेकिन ये स्पेशलाइज्ड वर्जन है ये 3 करोड़ के ऊपर की इसकी प्राइस आती है. लेकिन स्पेशल इसको क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज इसे अनवील या इसे यू नो अवेलेबल किया गया है हमारे सामने एट द 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पोर्शे इंडिया. अब जैसे कि मैंने बताया कि इसको और ज़्यादा स्पेशल बनाया गया उसके पीछे रीज़न है इसको 35 kg इसका वेट रिड्यूस किया गया है. अब रेगुलर GT4 से इसको कम करना कितना मुश्किल हो जाता है इतने बड़े इंजीनियर्स लेवल पे ऑलरेडी एक परफेक्ट गाड़ी को उससे भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है विच इज़ ऑल ओवर द बॉडी. अच्छे से अगर आप देख पाएंगे तो आपको हुड हो साइड विंग्स हो इंटीरियर हो इवन एक बैक साइड भी अगर आप इसके देखेंगे तो कार्बन फाइबर की फिनिशिंग आपको हर जगह देखने को मिलने वाली एंड वो लाइट वेट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है. लेकिन 1 kg भी अगर 1 किलो भी कम होता है इस गाड़ी में तो उसकी जो एक्सप्रेशन है या जो उसकी टॉप स्पीड है वो बेहतर हो जाती है. टॉप स्पीड सोच रहे हो 315 किलोमीटर्स पर आवर इज़ द टॉप स्पीड. नाउ दैट्स रियली रियली इंप्रेसिव. That's really really good. बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद ऑफ कोर्स द पोर्शे डिज़ाइन जो इनका ट्रेडमार्क चलता आ रहा है द LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स जो कि पोर्शे हाई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. बहुत सारे फंक्शंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी लेकिन हम ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर फोकस ना करते हुए हम ज़्यादा ओवरऑल लुक इसकी प्रेफर करेंगे. स्मॉल एयर डैम लार्ज हुड यहाँ से इनटेक रहेगा इसका कंप्लीट और साथ के साथ आप इसका बैज जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये बाद में लगाया शूट हम पहले से कर रहे हैं. GT4 RS की बैजिंग नीचे आपको इसके बम्पर भी दिखेगी और हाँ इससे ये याद आया कि इसके ओवरऑल जो क्लीयरेंस इसके साथ रखी गई है वो 30 mm कम भी रखी गई है विच इंक्रीजेज द डाउन फोर्स एंड इंक्रीजेज द कंट्रोल ऑफ द व्हीकल एट द ट्रैक्स बिकॉज ये अल्टीमेटली एक ट्रैक ओरिएंटेड व्हीकल है और उसी वजह से ये व्हीकल और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है. साइड प्रोफाइल है ना स्लीक एंड सेक्सी. सबसे पहले तो आपको ये दिखाया था एरोडायनेमिक्स के लिए यहाँ से पूरे यू नो वेव रखी गई है इसकी साइड पे भी विंगलेट्स देखेंगे उसको भी ऐड किया गया ताकि इसकी जो एक्सप्रेशन है या टॉप स्पीड है वो ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाए और ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं हैंडलिंग में भी हेल्प करेगी. लेकिन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इसके ZR सीरीज़ टायर हो जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं और आपको सिरेमिक ब्रेकिंग मिल जाती है. पोर्शे की येलो पूरे डिस्क ब्रेक कैलिपर्स भी मिल जाते हैं और अगर प्रोफाइल की बात करें 245x35 ZR 20 inches के ये अलॉय व्हील्स हैं एंड दैट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. दिखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर आपको जो पूरा ये डिज़ाइन मिलता है लेकिन ऊपर भी और नीचे भी अलॉय व्हील्स ये यू नो रिमूव नहीं किए जा सकते. इसको रिमूव करके निकालेंगे तो जो बोल्ट्स अंदर लगे हैं वो एंटी थेफ्ट है तो बेसिकली ऐसे नहीं कि कोई भी इस टायर को निकाल सके तो ऑफकोर्स उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन ओवरऑल साइड प्रोफाइल ऑब्वियसली वेरी लो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी बिकॉज इसको एरोडायनेमिक ज़्यादा रखा गया. कार्बन फिनिशिंग आपको यहाँ पर भी मिली कार्बन फाइबर की फिनिशिंग यहाँ पर भी विंगलेंट्स है जो कि अंदर की तरफ इसकी सारी एयर को और एरोडायनेमिक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं. और रियर में भी आपको अगर आप टायर प्रोफाइल पूरी देखेंगे तो ये 295x30 मिल जाती है. ये अगले वाले से भी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे. ऑफकोर्स दो अलग अलग तरह के टायर्स यहाँ प्रोवाइड किए गए पोर्शे को ध्यान में रखते हुए. अगर आप यहाँ भी देखेंगे तब भी आपको विंगलेंट्स मिलेंगे जो ये सारी हवा पीछे की तरफ जाती है इसके इस इंजन की तरफ. यही है इसका मेजर पार्ट. अब जो ये इंजन है दिस इज़ अ 4 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 6 सिलेंडर स्ट्रेट लाइन में 500 हॉर्स पावर 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है. यही इसकी सुपर पावर है. यहाँ पर आपको सारी जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं. दिखने में अच्छा लगता है. वाटर और ऑयल के इनलेट जो है वो दिए गए हैं. रोल बार्स आपको अंदर मिल जाएंगे देखने को. पोर्शे का यहाँ पर बड़ा येलो स्टिकर भी मिलेगा. पीछे भी अगर आप इसका पूरा स्पॉइलर डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ आता है. और ये जो चीज़ है ये एडजस्टेबल है हालांकि मैनुअली ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होती बट ये मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस. रियर में भी आपको LED कंप्लीट टेल लैम्प डिज़ाइन रैप अराउंड मिलेगा. रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कैमरा ऑफ कोर्स. और पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको ड्यूल टेप एग्जॉस्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं काफ़ी बड़े और पोर्शे का सिग्नेचर साउंड भी है. आई रियली होप मैं आपको वो सुना पाता क्योंकि हमने तो पहले उसको सुना है और वो बहुत अच्छा लगता है. ओवरऑल स्लीक एंड सेक्सी डिज़ाइन है. हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाई गई है ताकि एरोडायनेमिकली यानी
यानी कि एक्सप्रेशन और यू नो टॉप स्पीड वाइज ये आपको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर। यहाँ पर आपको हर तरह के स्पोर्ट्स वाले फॉर्म जो है वो मिल जाएंगे, चाहे इसका क्लस्टर हो, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। हालांकि एनालॉग मिलता है, वो एक्चुअली एनालॉग नहीं है, वो डिजिटली स्टाइल का है, लेकिन ये डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आएगा स्पोर्ट्स कार में, ये ज़्यादा सही रहता है। उसके साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स, प्रॉपर वेलवेट फिनिशिंग ऑन द स्टेयरिंग व्हील्स, पोर्शे का सेंटर में लोगो लुक्स रियली रियली गुड। सारे कंट्रोल्स आपको इस तरफ मिल जाएंगे फॉर द क्रूज कंट्रोल, फॉर द लाइट एज वेल। यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल्स हैं, इस तरफ आपकी की इंसर्ट की जाएगी एंड नीचे भी आपको स्पोर्टी पैडल्स प्रोवाइडेड है। हुड ओपन करना चाहते हैं सामने से होगा, बूट ओपन करना चाहते हैं पीछे से होगा। बेसिकली जो इंजन वाला बे है जहाँ पर स्टोरेज भी प्रोवाइडेड है, फ्रंट में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 120 लीटर्स की स्टोरेज मिल जाती है। आई शो यू दैट एज वेल। रही बात इसके ओवरऑल साइड पे, तो ऑफकोर्स आपको मल्टीपल एयर बैग्स मिल जाते हैं। डोर हैंडल आपको काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के मिलते हैं, जो कि टेक्निकली हैंडल नहीं है, दिस इज़ अ स्ट्रिप। एंड साथ में आपको सारे कंट्रोल्स इस तरफ, थोड़ी सी स्टोरेज ना के बराबर, वेलवेट सारी फिनिशिंग यहाँ विद स्टिचिंग एज वेल। ऊपर की तरफ देखेंगे तो लेदर मिलेगा सॉफ्ट टच, और एयर बैग जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, पीछे भी है ऑफकोर्स, और आगे भी आपको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। स्कूप्ड आपको रेसिंग सीट्स मिलेंगी, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, वेंटिलेटेड, हीटेड, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। सेंटर में है इसका मेजर हाईलाइट, जो कि टाइमर दिया गया, और टाइम भी वहाँ पर शो होता है, और आप उसको अपना लैप रिकॉर्ड सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये रिकॉर्ड करके आपको बताएगा कि आपने कितनी जल्दी वो लैप पर्टिकुलरली कंप्लीट किया। 7-speed DCT ट्रांसमिशन अवेलेबल है। अगर आप रेगुलर GT4 लेते हो तो उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफर की जाती है, बट आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन हेयर। एंड साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं फॉर योर रेसिंग एक्सपीरियंस। सारे कंट्रोल्स यहाँ पर, चाहे इसके यू नो स्पोर्ट्स मोड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ करना हो, ट्रैक्शन हो, लॉन्च कंट्रोल हो, इनफैक्ट अगर आप इस व्हीकल की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं वो भी आएगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको इस तरफ दी गई है। स्क्रीन हालांकि बहुत ही छोटी है, बट ऑफकोर्स स्पोर्ट्स कार में इसी तरह की आ जाए वही बहुत है। सारे कंट्रोल्स लॉक्ड आपको यहाँ पर, कार्बन फिनिशिंग लॉक्ड आपको, ग्लव बॉक्स, ऊपर भी वेलवेट की कंप्लीट प्रीमियम फिनिशिंग मिलेगी, एंड यहाँ से आप सारे सीट्स के जो कंट्रोल है उन्हें ऑपरेट कर पाएंगे। अब अल्टीमेटली सारी घूम फिर के बात यह है कि इस व्हीकल में सब कुछ एडजस्टेबल आपको ऑफर किया जाता है, चाहे वो सस्पेंशन हो यानी कि अडेप्टिव है, एंड चाहे इसका स्टेयरिंग हो, गियर नॉब्स हो, इवन शिफ्टिंग है, वो हर इस तरह के ड्राइव मोड्स के साथ अलग अलग तरीके से अडेप्ट हो जाती है और आपको बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ रेसिंग। अब ये व्हीकल जो है ये कम्प्लीटली आपको यू नो रेस ट्रैक ओरिएंटेड दिया गया है, और वहीं पर ये अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी। अब सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी पोर्शे इन इंडिया, लेकिन टेक्निकली हमें उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, बट पोर्शे ने हमें गिफ्ट दिया विद दिस 718 Cayman GT4 RS। अब ये RS इट्स लवली, प्यार हो जाएगा आपको जब इसको आप एक्चुअल रियल लाइफ में देखोगे, और मुझे इसकी बहुत सारी हाइलाइट्स जो है वो अच्छी लगी हैं। जैसे कि इसमें आपको 115 कलर्स की ऑप्शन मिल जाती है, हाईली कस्टमाइज आप इसे रख सकते हो, जिस तरह का आपको चाहिए ऑन ऑर्डर ये आपके लिए तैयार हो जाती है। 2.54 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस पर ये शुरू होती है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेल मी अबाउट दिस व्हीकल, रेस ओरिएंटेड, ट्रैक ओरिएंटेड, सुपर स्पोर्ट्स कार के साथ ये आती है एंड कम्प्लीटली आपको पागल कर देगी अगर इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करें तो। नाउ एक्सपीरियंस जरूर करें इसे अगर कभी मौका मिले तो। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस Cayman 718 2023 पोर्शे ने तो सही शुरुआत की, और बहुत व्हीकल जिनके आ रहे हैं। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस व्हीकल। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देखी लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।